फ्रेंड्स, दिस इज़ द कोर्स अबाउट इनपेज सॉफ्टवेयर। और इनपेज सॉफ्टवेयर की पिछले वीडियो में हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें सीखा था कि हम अपने न्यू पेज कैसे ओपन कर सकते हैं और हम अपना डॉक्यूमेंट कैसे सेव कर सकते हैं। इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने जो टेक्स्ट है, ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज यूज़ करके। मतलब कि हम अपने टेक्स्ट की कलरिंग कैसे कर सकते हैं या उसकी राइटिंग जो है उसे उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, लाइनिंग करनी हो हमें अपने टेक्स्ट के, अंडरलाइन करना हो, ओवरलाइन करना हो, डबल लाइन करना हो, कुछ भी करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और हम अपने जो टेक्स्ट हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और लाइनिंग्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उसे कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ी डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग जो भी कहते हैं वो करेंगे। ऊपर जो दिखी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिलेक्ट करें। अगर हमने अब इसे बोल्ड करना है या इसे कलरिंग चेंज करनी है तो कुछ भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कलरिंग चेंज करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कलर कैसे कर सकते हैं, मीनिंग जब भी कोई हाईलाइट वगैरह कुछ भी करना हो तो यहाँ से हम इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। अगर अब हमें राइटिंग चेंज करनी है या स्टाइल राइटिंग का और करना है तो यहाँ से हम उर्दू राइटिंग का जो स्टाइल है वहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कर दिया, आसर बोल्ड कर दिया, देखिए कैसा हो गया टेक्स्ट की जो हमारा स्टाइल है उर्दू टेक्स्ट स्टाइल वो चेंज हो गया है यहाँ से। अब हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मतलब हमारा बोल्ड का मतलब बोला होता है कुछ थोड़ा सा मोटा करना है बाकी टेक्स्ट से। तो हम अपने टेक्स्ट को पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, या यहाँ हम वी का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ जस्ट हम वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। और अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हमारा ये बोल्ड हो जाएगा, या यहाँ से आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे बी पर तो फिर ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ मेरा बोल्ड हो गया। नेक्स्ट है इटैलिक करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करें तो इटैलिक हो जाएगा, मीन तिरछा हो जाएगा थोड़ा सा। ये यहाँ से जो ऑप्शन आएगा नज़र आ रहा है यहाँ हम जस्ट वन टाइम क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ जस्ट वन टाइम क्लिक किया है तो ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम इटैलिक या बोल्ड वगैरह कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नेक्स्ट है अगर हम अपने हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम कुछ हाईलाइट वगैरह करना चाहते हैं तो हम उसे हाईलाइट कैसे करेंगे या प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, जैसे ये इस्लाम है मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ सबसे हाईलाइट करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा हम साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह फिर हम इसके कलरिंग वगैरह चेंज करेंगे, इसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर देती हूँ मैं इसे। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। अब हम इसका कुछ भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, राइटिंग चेंज कर सकते हैं, ओवरलाइन, अंडरलाइन, पैटर्न, रिवर्स जो भी करना हो हम कर सकते हैं। अब हमने कोई भी टेक्स्ट अगर अंडरलाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ जो है वो सारी ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ओवर लाइन, बॉक्स, रिवर्स, पैटर्न, ये सब कुछ यहाँ दिया गया है। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ सिंगल लाइन कर रही हूँ तो यहाँ मेरी सिंगल लाइन अप्लाई हो चुकी है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि हम अपने जो टेक्स्ट है उन टेक्स्ट की जो लाइंस हैं उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है उसे कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे स्पेसिंग कम या ज़्यादा करने के लिए हमें ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को। मैंने दो पैराग्राफ इसी ले लिए ताकि एक को हम थोड़ा इसकी लाइनिंग जो स्पेसिंग है उसे कम कर सकें, दूसरे की लाइनिंग के दरमियान स्पेसिंग को ज़्यादा कर सकें।
तो फर्स्ट हम पैराग्राफ को सुलग करते हैं। इसकी लाइनिंग के दरमियान जो स्पेसिंग है, मैं यहाँ से इसे थोड़ा कम करूँगी ताकि आपको भी प्रोमिनेंट हो जाए। या ये ऊपर वाला जो बॉक्स है जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से हम स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग को। ये देखिए मैंने यहाँ स्पेसिंग कम की है, तो यहाँ लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग कितनी कम हो गई है। अगर मैं थोड़ा इसे और करती तो ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जो लाइन्स हैं। तो इस तरह से हम अपने लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा करना है लाइन के दरमियान की स्पेसिंग को, तो हम नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस बॉक्स में जाएंगे। उस बॉक्स में जाने के बाद वहाँ से हम इसकी जो स्पेसिंग है उसे बढ़ा देंगे। चलें पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ से हम इसकी जो है स्पेसिंग को हम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इंक्रीज़ किया तो इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ हो गई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लाइन के दरमियान की स्पेसिंग को कम किया था, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लाइन के दरमियान की स्पेसिंग को ज़्यादा किया था। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये इससे हम अपने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के दरमियान की जो स्पेसिंग है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें हम कोई सा भी टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब टेक्स्ट यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हम ऊपर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर वहाँ से हम टेक्स्ट के दरमियान की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी स्पेस बढ़ा दूँगी ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए कि हम अपने टेक्स्ट के दरमियान के जो हमारे जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग को हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं या कम कैसे कर सकते हैं। तो ये यह मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं इसे इनक्रीज़ कर दूँगी इसके दरमियान की स्पेसिंग। तो ये मेरे जो वर्ड्स हैं तो इन सब के दरमियान स्पेसिंग इक्वली डिवाइड हो जाएगी, इक्वली बढ़ जाएगी। तो एक यहाँ तो मैंने इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दिया है, तो यहाँ इसकी स्पेसिंग बढ़ गई है। अब नेक्स्ट है कि हम अपने ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट है यहाँ से कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये परसेंट में है, तो हम इसे ओवरऑल जो अपना जो फॉन्ट है, टेक्स्ट फॉन्ट है, उसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, ओवरऑल को कंट्रोल ए प्रेस करना है, ओवरऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसकी जो है वो फॉन्ट, अपना फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ कर देती हूँ। तो डिक्रीज़ करने के साथ देखिए मेरा कितना छोटा सा हो गया, ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया। ओवरऑल हम अगेन सेलेक्ट करते हैं और इसको इसकी जो है वो बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देते हैं यहाँ से परसेंट में। तो ये हमारा ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट है, उसका साइज़ है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, एंटर कर देना है। ये देखें अब ये ओवरऑल जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। सो दिस इज़ द वे हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग वगैरह सब ओवरऑल कर सकते हैं।